हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुई एलएलबी के छात्र पार्थ हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कहा कि बीते 1 नवंबर को पार्थ का शव उसकी कार से बरामद हुआ था। जांच के बाद में पता चला कि पार्थ की गला दबाकर हत्या की गई, जिसके बाद टीम बनाकर के मामले के खुलासे के निर्देश दिए गए, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर पता लगाया कि पार्थ के साथी कमल रावत ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या की मुख्य वजह इसमें एक पीकर आपस में झगड़ा करना और गाली गलौज भी बताई जा रही है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये पार्थ सिंह सामंत की हत्या की गई थी और इसकी डेड बॉडी वृंदावन विहार की पार्किंग में एक गाड़ी में मिली थी, जहां से इसका पंचायत, फिर उसके बाद उसके परिजन उसको एसटीएच लेके गए थे। एसटीएच में वहां पर उसका पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम में की रिपोर्ट के आधार पर ये पता लगा कि इसकी गला दबाने से इसकी हत्या की गई है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि जब इस गाड़ी में 3 लोग थे, एक जो मृतक पार्थ सिंह सामंत था, जो अभियुक्त है जिसने मर्डर किया है कमल सिंह रावत था उर्फ बधुआ, और मयंक कन्याल था। तो जब वहाँ गाड़ी आके 3:11 पर रुकी तो उसके बाद कमल रावत वहाँ, जो मयंक कन्याल है, वो वहाँ से चला गया। पूरे घटनाक्रम में जब बधुआ को कल भाखड़ा पुल से गिरफ्तार किया गया तो इससे पूछताछ की गई। इसने ये बताया कि जब हम मुखानी चौराहे पे खा रहे थे, मैगी खा रहे थे और लस्सी पी रहे थे, तो वहाँ, और इस चीज़ की पुष्टि जो कमल रावत के बयान है उसकी पुष्टि मयंक कन्याल के बयानों से भी हुई है। इन्होंने बताया कि मैगी के अंदर उसने स्पंज रख दिया था, जिसको, जिस बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुआ था, और जो ये पार्थ है, पार्थ ने इसको गालियाँ दी थी। उसके बाद ये लोग गाड़ी लेकर वृंदावन विहार की पार्किंग में चले गए। पार्किंग में जब वहाँ गाड़ी जाके रुकी तो उसके बाद 10 मिनट के अंदर मयंक कन्याल वहाँ से चला गया, और ये नशे में थे और ये उसको गाली गलौज कर रहा था पार्थ सिंह सामंत। तो उस गाली गलौज को लेके जब लगातार गाली गलौज करता रहा तो उसको चुप कराने के लिए इसने मुंह दबाया उसका और फिर गला दबा दिया, तो उससे उसकी हत्या, उसकी मृत्यु हो गई। इसका जो कमल रावत है उर्फ बधुआ, इसके आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है, और जब आपराधिक इतिहास का पता लगेगा तो आपको अवगत कराया जाएगा।